जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अभी ये अखबार की कटिंग आज दैनिक भास्कर में आई है, तो आप सभी के मन में एक शंका सी बनी हुई है, एक संकोच बना हुआ है। मेरे पास कॉल मैसेज आ रहे हैं, सर ये इस पे एक वीडियो बनाइए, ये क्या सिस्टम है। अखबार की कटिंग, इसमें लिखा गया है कि आवेदन होने थे, फलाना दिखड़ा, जो भी लिखा है, और इस भर्ती को विषय विशेषज्ञों द्वारा कही गई है ये बातें कि इस भर्ती को जो है क्या कर दिया गया है, यहाँ से रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। लेकिन मेरे भाई, इन बातों को जरा गौर से पढ़ो। ये अखबार की कटिंग जो है वो आप एक बार इसको पढ़ो गौर से, आपको सामने स्क्रीन पर थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, और एक देखना बीकानेर का अखबार डाउनलोड कर लेना, या फिर आप गूगल वगैरह से, और इसको पढ़ना गौर से। इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है बिल्कुल, कोई अर्थ। अगर ये भर्ती सरकार रद्द करती है, देखो ना तो किसी, ये बात ना तो किसी नेता मंत्री ने कही है, ना ही ये बात विभाग के किसी अधिकारी ने कही है। विशेषज्ञ मतलब कोई भी, अगर तुम अगर कोई न्यूज अखबार में दिलवाना चाहते हो तो तुम भी ये खबर अखबार में अपने दिलवा सकते हो, चाहे भास्कर हो, पत्रिका हो। मेरे भाई, अखबार वालों को केवल पैसे से काम है, पैसे से मतलब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बात की हुई है अधिकारियों से, और मेरे पास उन चीजों के रिकॉर्डिंग्स भी है, लेकिन हम आपको वो चीजें श्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती होगी, और 100 देखो सरकार रिपीट मोड पे है, क्योंकि आपको गहलोत को पता है कि अभी दोबारा से उनका आने का पूरा चांस है, और वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि इस भर्ती को निरस्त करें। और मेरे भाई, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलने की बात रही, तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिल चुकी है। 66% वाल्मीकि समाज को सीटें दे दी गई है, जिसमें 16% SC ST रहेंगे, बाकी सारे वाल्मीकि समाज रहेंगे। और भाई आपको OBC को 21%, भाई बाकी अदर समाज ने कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति होती तो जिस वक्त इन चीजों पे हस्ताक्षर किए गए थे वाल्मीकि समाज के द्वारा, या सरकार ने जिस टाइम इनकी मांगों को मानना था उसी टाइम इनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अब कुछ होना जाना नहीं है, अभी इस भर्ती पे किसी तरीके की कोई भी रोक नहीं लगेगी। और मेरे भाई, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आराम से तैयार करके रखिए, ठीक है। आपको जल्द ही एक अच्छी सूचना मिलेगी, 15 तारीख के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सब अनर्थ व्यर्थ चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने केवल डॉक्यूमेंट तैयार वगैरह करिए और भर्ती का इंतजार करिए। 1 जून से फॉर्म आपके ऑनलाइन आवेदन होने शुरू हो जाएंगे। देखो उसके बाद आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता लगने के बाद आपकी भर्ती फिर नहीं हो पाएगी, इसलिए सरकार इसको बहुत जल्दी करवाएगी कंप्लीट आपके, ठीक है। आपको जुलाई के लास्ट तक तो आपको ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें दे दी जाएंगी मेरे भाई। अभी आप इसके इंटरव्यू ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास बच्चे आ भी गए हैं, 10-15 बच्चे जुड़ भी गए हैं, और भी अभी बाहर से काफ़ी कैंडिडेट हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारा 3-3 दिन का जो दिवसीय कैंप जो हमने शिविर लगाया है, इसमें फीस आपकी 1500 रुपये रहने वाली है, रहना खाना सब यहीं पर रहेगा। और आपको बता दूं कि इसमें क्या है आपका, आपको हम ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, इन सब चीज़ों की अच्छे से जानकारी और अच्छे से तैयारी इसकी करवाएंगे, क्योंकि गहलोत साहब ने साफ साफ कहा है कि इसमें आपको विशेष जोर दिया गया है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, तो आपसे रियल में काम करवा के देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी के लिए, जो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपकी हेल्प करी जाएगी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का एड्रेस जो है, राज डिफेंस अकेडमी का हॉस्टल बानसूर तहसील में अलवर जिले में है। तो आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप लोग जुड़ सकते हैं। सीटें लिमिटेड हैं, ध्यान रखना, कॉल करके एक बार कंफर्म कर लो, ये नंबर दिए गए हैं नीचे, ठीक है, एक बार कंफर्म कर लो इन चीज़ों को। और बता दूं भर्ती की बात, तो जिसके मन में ये डाउट है ना कि भर्ती रद्द, भाई भर्ती रद्द नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और फिर आपको हमेशा के लिए यही बात रहेगी, ठीक है। आप भी वहीं हो, देख लेना, ये फालतू की चीज़ें अखबार वगैरह वाले कुछ भी डाल देते हैं। आपको किसी नेता मंत्री ने कहा है, या किसी पार्षद ने कहा है, या किसी चेयरमैन ने कहा है, या कि DLB के किसी अधिकारी ने कहा है, तो आप लोग इन बातों को मान सकते हैं, अन्यथा सरकार ऐसी गलती कभी नहीं करेगी कि इस भर्ती को रद्द करे, कभी भी नहीं होगा मेरे भाई ये, ठीक है। आरक्षण और ये कह रहे कानून और उसके खिलाफ में दोनों में विवाद है, कुछ विवाद नहीं है, जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो कह दिया, और जो फाइनल है वो फाइनल आपका आ चुका है, अभी कुछ भी होना जाना नहीं है, ठीक है। जो होना था वो हो चुका, अब जिसको जितनी सीटें मिलनी थी उसको उतनी सीटें मिल चुकी हैं, भर्ती 30,000 पदों पे होगी और होकर रहेगी। साथियों, आपकी क्या राय है इस बारे में, कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।